Zakriti. So you are watching Zakriti's vlog and this is my day 2 in the Jaipur Pink City. Day 2 में जो मैं cover करने जा रही हूँ, सबसे पहले हूँ मैं जैगर फोर्ट. ये बताया जाता है कि जयपुर का सबसे बड़ा फोर्ट है, सबसे बड़ा महल है यहाँ पे, क्योंकि कवर करने भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है. थोड़ा सा हम लोग आज भी लेट हो गए, बट इट्स ओके. पहले हम यहाँ पे देखेंगे दर्शनीय स्थल, फिर आएंगे हम लोगों की बैठकों से मसालों की जगह, महाराजा का निवास स्थान, की महारानी का भी निवास स्थान है, कठपुतली घर है, रसोई घर, और इसी के साथ साथ हम एंड में देखेंगे सदियों पुराना वास्तुशिल्प. नाम सुनने में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बाकी अंदर जाके देखते हैं. वहाँ पे तो सब कुछ बहुत अच्छा था. हमारे फोर्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि हिस्टोरिकल चीज़ों को एक्सप्लोर करने का जो मज़ा है ना, वो मुझे नहीं लगता कि कहीं और. अफकोर्स हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में भी मस्ट हैव नॉन अबाउट. एक ही दिन में टेम्परेचर इतना हाई चला जाएगा मुझे पता नहीं था, तो कल का टेम्परेचर इतना नहीं था जितना ज़्यादा आज है, तो आज बहुत गर्मी लगने वाली है ऐसा लग रहा है. तो पूरा व्लॉग मुझे से चश्मे पहन के बनाना पड़ेगा. तो चलो चलते हैं अंदर, स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे गाइड है, कितने साल से है आप यहाँ पे? 7 साल से है यहाँ पे. क्या नाम है आपका, नाम बता दो. सूरज. सूरज जी, ओके. पूरा जो विजिट करोगे ना आप, हाँ. ये पूरा डिफेंस पर हाथ से बनाया गया. जैसे कि बताया जा रहा है यहाँ पे सैनिकों के रहने के लिए कोई पैलेस नहीं था, सिर्फ आमेर फोर्ट ही ऐसा था जहाँ पे सैनिकों के लिए पैलेस होता था, सैनिक सोल्जर्स. तो ये वाला जो स्पेस जो बनाया है स्पेसिफिकली सैनिकों के लिए बनाया गया है. तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ अंदर, जो कि सेना के लिए मीटिंग हॉल होता था. वहाँ पे बताया जा रहा है कि 500 इयर्स जो पुराना है वो वाटर कूलर, राइट. यहाँ पे राजस्थानियाँ बात की, हमने राजस्थानी थाली ऑर्डर की थी देखने के लिए भाई क्या क्या होता है. तो इसमें क्या है? ये मैम 5 तरह की दाल है इसमें. मूंग है, उड़द है, अरहर है, चना है. पांचों मिक्स है इसमें? हाँ, 5 तरह की दालें मिक्स होती है. ये गट्टे की सब्जी मैम, बेसन और मलाई से प्रिपेयर करते हैं. गट्टे की सब्जी बेसन और मलाई से प्रिपेयर की जाती है. ये हरा साग है, इसमें सरसों, मेथी, बथुआ, पालक सब मिक्स करके बनाते हैं. सब कुछ मिक्स है? हाँ. ठीक है. और ये क्या है? ये लहसुन की चटनी मैम, काजू लहसुन टमाटर के प्रिपेयर करते हैं. और ये बाजरे की रोटी है? मक्के की रोटी, मक्का मिक्स करके बनाते हैं. और ये बाजरे की रोटी. थैंक यू, बहुत अच्छा. बताया राजस्थान का जो सीजन होता है यहाँ पे घूमने के लिए वो अक्टूबर से लेके मार्च तक होता है. हम फैब में आए हैं तो यहाँ पे वेदर है कि टूरिस्ट नहीं है तो बहुत सन्नाटा है. वहाँ आमेर फोर्ट में भी बहुत कम क्राउड था. ये अच्छी चीज़ है क्योंकि मेरे लिए स्पेशली बहुत अच्छी है, इजिली हम शूट कर सकते हैं. यहाँ पे दीवाने आम मीटिंग हॉल जिसको बताते हैं, तो यहाँ पे होते थे राजा. अभी जैसे अभी हमने आमेर फोर्ट में भी देखा, दीवाने आम एक ऐसी कॉमन चीज़ है जो आपको हर फोर्ट में देखने के लिए मिलेगी. ऑफकोर्स जब राजा होते थे तो उस टाइम पे हमारी लैंग्वेज में कह सकते हैं कोर्ट, न्याय करने के लिए या कोई भी परेशानी बताने के लिए उनके यहाँ पे एक मीटिंग्स होती थी. तो राजा जी यहाँ होते थे, हाँ, उनके अधिकारी, फिर वहाँ पे जो भी आपके गांव के लोग हैं, तो गांव के लोगों को पहले अधिकारी को बताना होता है क्या उनका कंसर्न है, उसके बाद ही वो बात जो है राजा तक पहुँचती. 7 जनरेशन ने इसको मिलकर बनाया, यानी हर राजा ने अपने अपने पीढ़ी में इसको योगदान दिया गया है. और उसको बनाने के जो लास्ट वाली जो पीढ़ी थी वो थी महाराजा सवाई राजा जय सिंह की, उन्होंने कंप्लीट किया, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है. ठीक है. जयगढ़ फोर्ट कांकिल देव के समय में इसका नाम रखा गया था चील का टीला, ईगल फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है. आर्टिस्ट लोग हुआ करते थे ना, कि जो आर्टिस्टिक्स है, उनकी जो टैलेंट है, हम उसको ऐसे शब्दों में नहीं डिस्क्राइब कर सकते. आपको वीडियो में दिखा होगा कि ये स्टार बन रहा है, बट आप साइड से देखो कि पूरा जो है आयरन लोहे का बना हुआ है, पूरा लोहे का है. आप बिलीव कर सकते हो 400 साल पुराना लोहा है भाई ये, 400 साल पुराना. जैसे बारिश के सीजन से पहले तो उसके अंदर में जैसे लेडीज किसी लड़की का शादी होगा फिर वो अपने मायके जाती है, तो 16 दिन तक फिर शिव जी और माता पार्वती जी पूजा करते हैं. ओके. तो उसको बोलते हैं गंगोर. ठीक है. गंगोर जो है राजस्थान में बहुत फेमस है. मैं एक सीरियल देखा करती थी कुछ टाइम पहले, ये रिश्ता क्या कहलाता. पूरा मारवाड़ी सीरियल था, तो मैंने उस सीरियल में देखा था कि गंगोर कोई फेस्टिवल होता है, गंगोर का
का फेस्टिवल होता है राजस्थान में, वो 400 साल पुराना तो कल्चर है। तो आप देख रहे हो ये स्पेस जो है ना स्पेसिफिकली उस एक, मतलब आप कैन यू जस्ट इमेजिन कि रॉयल फैमिली के रॉयल अंदाज सिर्फ इस स्पेस को स्पेसिफिकली उस फेस्टिवल के लिए बनाया गया है, ताकि यहाँ पे वो अपनी पालकी जो है अच्छे से सजा सके, रख सके। तो सारा फेस्टिवल का अरेंजमेंट इस ग्राउंड पे किया जाता है। मीटिंग होती है ना उसके लिए लोग बात क्या दीवारें वगैरह खराब करते हैं ना, तो इस वजह से अंदर अलाउ नहीं है। भाई मैं प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, दीवारें खराब करना बंद करो, इंडिया के कल्चर को, खूबसूरती जो है, नेचुरल ब्यूटी, उसको बिगाड़ना बंद करो। भाई घूमने आते हो, प्लेसेस देखने आते हो तो घूमो। अगर दीवारों पे चित्रकार करने का इतना ही शौक है तो अपने घर की दीवारों पे करो भाई, यहाँ की ब्यूटी को मत खराब करो। वो गेट अभी हम जाते हैं अंदर पर ही बता रहे हैं कि लोग दीवारें खराब कर देते तो वो बंद कर दे, और ऐसी बहुत सी जगह है आमिर फोर्ट से लेकर यहाँ तक, मैं यही सुनती आ रही हूँ कि ये बंद कर दे क्योंकि लोग यहाँ पे आके ये किया करते हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज स्टॉप डूइंग दिस नॉनसेंस थिंग। बंद है, दूसरा रास्ता नहीं क्या पहाड़ी के अंदर से? तो आमिर इसके लिए मिलाया क्यों गया था, क्यों मिलाना? तो लेडी से वहाँ से यहाँ तक क्यों आती थी इस फोर्ट में? दोनों फोर्ट अलग अलग है ना? एक ही फोट है, एक ही परिवार की फोट है दोनों। अच्छा, जॉइंट में है दोनों। वो कैसे है कि ये सेना के लिए था और वो रहने के लिए था, वो तो घर था उनका और यहाँ उनके सेना के लिए था। यदि आप सेना लेते डिफेंस पर्पस से उसी की सुरक्षा। आमिर गए थे वो रहने के लिए, वो रहने के लिए, तो ये उन्हीं का है। अच्छा, तीनों का सेम एक ही फोट, एक ही महल है? जयपुर, नारगढ़, जलमहल, जयगढ़ और आमिर, एक कंट्रोल पूरा जयपुर ही उन्हीं का है। बोल दो ना डायरेक्ट। कुछ भी नहीं हुआ, ना ये खराब होता है, ना ये गलता है, ना यहाँ की लकड़ियों में दीमक लगती है। सच में समथिंग इज मैजिकल। सब कुछ 400-500 साल पुराना पेड़ तो कहाँ से होगा पुराना? पेड़ तो ये जगह 60-70 साल पुराना।